राइट सो अनिरुद्ध जी आयुष्मान जी सबसे पहले कांग्रेचुलेशन ट्रेलर बहुत ही ऑसम है एंड कुछ 24 मिलियन क्रॉस कर चुका है ओह रियली क्या कुछ फीलिंग है डेब्यू मूवी के साथ में एंड इतना कुछ एप्रिसिएशन हो रहा है तो कैसे देखते हैं आप मैं यार बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत नर्वस हूँ बहुत सारी इमोशंस चल रही है अभी 6 दिन में रिलीज है हमारी फिल्म की पर मैं बहुत एक्साइटेड इसीलिए हूँ कि हमें लगता है कि फिल्म ट्रेलर से बेहतर है और बहुत बहुत कुछ है आपको देखने के लिए तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आई होप कि सारे जाएं और देखें फिल्म हाँ जी नहीं ये जो एक्शन हीरो हमारे साथ में बैठे हैं इनको कैसे देखते हैं आप एंड कैसा रहा है इनके साथ का काम करके मैं इनको ऐसे देखता हूँ इनके साथ बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि पहली फिल्म में मुझे बहुत स्पॉइल कर दिया है क्योंकि मुझे इतना कंफर्ट मिला है इतना प्यार मिला है इतना सपोर्ट मिला है और मैं इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता था किसी को एंड आयुष्मान जी फिल्म के बारे में बात करूँगा उससे पहले कि आपने भी सुना होगा कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपकी फिल्में साउथ में रीमेक हो रही है जी जो पहली बार हो रहा है कि यहाँ से वहाँ साउथ ये जो फीलिंग है एंड दो तीन फिल्मों का नाम आया जो फिल्में वहाँ पे बन रही है ये जो फीलिंग है ये कैसे देखते हैं आप जी हाँ बधाई हो का रीमेक हुआ है अंधाधुन का हुआ है और आर्टिकल 15 का हुआ है तो ये एक सेंस ऑफ वैलिडेशन है सिर्फ मेरे लिए नहीं आई थिंक ये उनके लिए जिन्होंने फिल्में बनाई हैं जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी हैं मैं तो चूज ही कर सकता हूँ आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस फिल्म पर आई एम द एंडोर्सर ऑफ द फिल्म मैं इसका हिस्सा हूँ तो आई एम ग्लैड कि पब्लिक ने प्यार दिया है इन फिल्मों को और ये फिल्में साउथ में बनी है नाउ एक्शन हीरो के अंदाज में अब हम आपको देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रेलर में हमने देखा काफी मारधाड़ करते हुए थोड़ा बहुत रोमांस भी करते हुए एंड आप थोड़ा बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद एक्शन हीरो के साथ ये एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार मैं पिछले 10 साल से कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि वो एक्शन फिल्म करूँ थिएटर के दिनों में मैंने काफ़ी अग्रेसिव कैरेक्टर्स प्ले किए हैं कॉलेज के टाइम पर लेकिन जिस तरह की फिल्मोग्राफी मेरी रही है मैं हमेशा एक वल्नरेबिलिटी वाला कैरेक्टर प्ले किया है या गाय नेक्स्ट डोर जो इम्परफेक्ट है पर अपनी नज़र में ये कैरेक्टर मानव द सुपर स्टार बहुत परफेक्ट है तो ये इतना फ्लैम्बॉयंट और एक स्टारडम वाला कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया सो इसलिए ज़्यादा एक्साइटिंग है जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है सुना है कि स्टेज पे जाने से डरने वाला लड़का आज हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहा है बैक टू बैक जो फिल्में आ रही है वो बहुत ही हिट हो रही है लोगों को बहुत पसंद कर रही है एंड नाउ एक्शन हीरो ये जो लाइफ में चेंजेस आया ये कैसे देखते हैं हालांकि बहुत ही बड़ा है ये लेकिन अगर आप बता सकते ये मेरी पैंडमिक के बाद पहली फिल्म है जो मैंने चूज की थी सो ये इसका आई थिंक जो टिक मार्क्स हैं वो बॉक्सेस हैं वो अलग हैं ये एक ग्रामर है इसकी जो ज़्यादा कमर्शियल है ये एक थोड़ी वाइडर ऑडियंस के लिए है एट द सेम टाइम एक्शन ये कुछ कन्वेंशनल एक्शन नहीं है इसमें कुछ अलग हटके तो है ही कहानी बहुत इसकी टेढ़ी है और देख कर लोगों को मज़ा आएगा तो और मेरे लिए रीइन्वेंशन है मुझे लगता है मेरा डेब्यू फिल्म है तो बहुत एक्साइटेड हूँ अंधाधुन चंडीगढ़ करें आकाश की ड्रीम गर्ल ये सब में काफ़ी अलग अलग अंदाज में दिखे हो आप बट ऐसे आपके तरफ से ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला था ये एक्शन मूवी आप करना चाहते थे पहले से कि आपका ड्रीम था और ये आपके पर्सनल लाइफ से कितना रिलेट करते हैं उसके बारे में पर्सनल लाइफ से कुछ कुछ रिलेट नहीं करता इसमें क्योंकि मैं ऐसा फ्लैम्बॉयंट इंसान नहीं हूँ मैं ना फिर मतलब उस तरह की एरोगेंस कैरी करता हूँ जो मानव द सुपरस्टार इन द फिल्म वो कैरी करता है और वो एक सिचुएशन में फंस जाता है मैं नहीं चाहता पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन में फंसूँ मेरी लाइफ इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है तो ये इसलिए बहुत अलग है और तभी और चैलेंजिंग और मज़ेदार होता है एक्साइटमेंट होती है कैरेक्टर को लेकर अगर आपके निजी ज़िंदगी से बहुत परे हो बहुत दूर हो जयदीप सर की बात करें तो जयदीप सर भी उतने लाइमलाइट में हैं जितने आप हो तो ट्रेलर देखने के बाद लुक लिटिल कंफ्यूज दैट कि हु इज द रियल हीरो इन द मूवी इस फिल्म के अंदर ये दोनों किरदार बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं दो किरदार
और मैं बहुत एक्साइटेड था जयदीप अहलावत के साथ काम करने के लिए, क्योंकि बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है उनका एक 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 ईज़ है उनकी, उनके उनके स्टाइल ऑफ एक्टिंग में, वो अपना कुछ मेथड का एक ज़्यादा दिखावा नहीं करते और इस फिल्म में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करते हैं, और ये मेरी इंसिस्टेंस थी कि मैं कि हमारी फिल्म में वो हों। मैं अपनी डेट्स एडजस्ट उनके लिए की थी कि जब वो कि पाताल लोग काफ़ी बिजी हो गए थे वो, क्योंकि ये उनके अलावा कोई कर नहीं सकता मेरे हिसाब से। सर आपसे जानना चाहूँगा, जयदीप सर और आयुष्मान सर काफ़ी दोनों काफ़ी उम्दा कैरेक्टर है, तो इन दोनों को बैलेंस करना कितना डिफिकल्ट था आप लोग के लिए, जिस तरह से पाताल लोग के बाद उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस मूवी में इन दोनों को सामने कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सारे, एक फैमिली की तरह काम किया हमने। बिल्कुल भी ये कभी लगा नहीं कि यू नो कभी भी वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ मुझे। दोनों बहुत सिक्योर एक्टर्स हैं, इनके अंदर वो इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, तो वो प्रोसेस कभी ऐसा उस तरफ गया ही नहीं, बहुत नेचुरल और हैप्पी रहा। और आयुष्मान सर से इसके पहले आपकी कहीं मुलाकात इस मूवी से पहले? मैं इनको एक्चुअली फॉर्चुनेटली मैं इनको शुभमंगल सावधान के टाइम पे मिल चुका था, तो तब से और क्योंकि कलयलो में इसके पहले दो फिल्में कर चुके हैं, तो इनका आना जाना रहता था कंपनी में और इनके ट्रायल्स लुक टेस्ट ये वगैरह होते थे, तो मेरा मिलना होता था इनसे। तो थैंकफुली मैं इनको जानता था जब तक एक्शन हीरो तक हम पहुँचे, एक एक छोटा सा एक रिश्ता बन चुका था, तो इट वॉज़ वेरी इट वॉज़ ईजियर टू यू नो टॉक टू हिम। तो हम ऐसा माने कि बैक टू बैक यू एंड आयुष्मान का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिलेगा? मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक जो और अच्छी चीज हुई है इस फिल्म के साथ में कि एक नई जोड़ी आई है इस फिल्म के साथ में, आयुष्मान एंड मलाइका जी को गाना मैंने देखा, बहुत ही ऑसम है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप भी देखा, तो ये आपका आपका आइडिया था कि या फिर ये अगर मुझे बता सके कि ये कैसे क्रिएट हुआ या टीसी लीजिए आप? यार हम एक्चुअली एक इसमें जो गाना है आप जैसा कोई वहाँ उस सिचुएशन के लिए हमको एक जब आप फिल्म देखोगे आपको समझ में आएगा, उस सिचुएशन के लिए हमको एक पुराने गाने की ज़रूरत थी, एक